दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर काले रंग के ही क्यों होते हैं गाड़ियों के टायर? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज तक आपने जितनी भी गाड़ियों के टायर देखे होंगे सभी काले रंग के ही होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन गाड़ियों के टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे का रहस्य। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दुनिया में कई तरह की गाड़ियां मौजूद हैं, कार से लेकर प्लेन तक में टायर मौजूद होते हैं। गाड़ियां चाहे जिस भी आकार की हों उसमें टायर लगे होते हैं। गाड़ियां चाहे जिस रंग की भी हों, लेकिन इन सब में एक चीज़ सामान्य है, वो है इन गाड़ियों के टायर का रंग। सभी गाड़ियों के टायर का रंग काले रंग का होता है। क्या आपने सोचा है कि आखिर टायर का रंग हमेशा काले रंग का ही क्यों होता है? चाहे छोटी सी कार हो या फिर बड़ा सा हवाई जहाज, सभी के टायर काले रंग के ही होते हैं। सन 1917 से पहले सभी टायरों का रंग मटमैला यानी ऑफ वाइट रंग का होता था, बाद में इसे बदलकर काले रंग का कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 1917 से पहले टायरों का रंग मटमैला होता था, तब इन्हें नेचुरल रबर से बनाया जाता था। इसकी वजह से टायरों का वजन काफ़ी कम होता था। हल्के टायर गाड़ियों में इस्तेमाल किए जाते थे। इन्हें मजबूत रखने के लिए इनके अंदर जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता था। फिर भी टायरों का वजन काफ़ी कम होने की वजह से ही कार कंपनियों ने दूसरे टायर का विकल्प ढूंढा। टायरों को बदलने के लिए कार कंपनियों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की। दरअसल नेचुरल रबड़ को सूरज की रोशनी से काफ़ी नुकसान होता था, टायरों में दरारें पड़ जाती थीं। इस वजह से उन्हें मजबूती देने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाने लगा। कार्बन सूरज के अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर देता है, इससे उनकी उम्र बढ़ जाती है। साथ ही सड़क पर दौड़ते हुए उनके कटने फटने का डर कम हो जाता है। कार्बन मिलाए जाने की वजह से ही टायरों का रंग काला हो गया। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।